इसके सब सब लोग, तो आज का जो हम लोगों का वर्ड है ना देखो वो है ब्लाइट, BLIGHT ब्लाइट, जो कि क्या है एक नाउन की तरह वर्क करता है। ठीक है, देखो दो चीजें होती है, एक ब्राइट होता है और एक ब्लाइट होती है। तो ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकना। ठीक है, चमकना, या फिर बोल सकते हैं हम कि उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो गया, मतलब सक्सेस की ओर निकल गया। ठीक है, और दूसरा ब्राइट की जगह होता है एक ब्लाइट। ठीक है, सिर्फ यहाँ एल और आर का ही फर्क है। ठीक है, अगर यहाँ पर एल की जगह आर कर देंगे तो ब्राइट हो जाएगा, और ब्लाइट हो जाएगा, ब्लाइट का मतलब होता है नुकसान, क्षति, ठीक है, हानि, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो किसान ने बहुत मुश्किल से अपनी फसल को उगाया था, बट क्या हुआ, पानी आया, ठीक है, ओलावृष्टि हुई, ठीक है, तो पूरी जो फसल है वो क्या हुई, बर्बाद हो गई। क्या हो गई, पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। देखो पूरे जो गेहूं, जिसने बीट बोए थे, गेहूं बोए थे, वो पूरे क्या ऐसे आड़े पड़ गए, ठीक है, फाल हो गए। ठीक है, वाटर पोल्यूशन हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, हमारे जो बॉडी है उसको क्षति पहुंचाता है। ठीक है, हमारे ओशियंस को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लाइट का मतलब क्या हो जाएगा, नुकसान। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखो डिस्ट्रोशन, डिस्टोर्शन, डैमेज करना, डिफेक्ट करना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पेच, एमिलियोरेट और रेमेडी। पेच का मतलब क्या हो, पेच, एमिलियोरेट और रेमेडी का मतलब, तीनों का मतलब ये होता है किसी जो नुकसान हुआ उसमें मरम्मत करना। ठीक है, रेमेडी मतलब उपचार करना, एमिलियोरेट मतलब भी किसी जो जो नुकसान हुआ उसमें क्या करना, मरम्मत करना। ठीक है, पेच का मतलब भी यही होता है। अगर आप लोगों ने सुना होगा ब्रेकअप और पेचअप सुना होगा, पेचअप का मतलब ब्रेकअप के बाद ही पेचअप होता है, ब्रेकअप यानी नुकसान हो गया, और पेचअप मतलब कि वो चीज़ें उसकी मरम्मत हुई। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को ये पेच याद रहेगा। ठीक है, एमिलियोरेट रेमेडी हो गया। तो ब्लाइट का मतलब क्या हो जाता है, ब्लाइट का मतलब देखो होता है नुकसान। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वर्ड याद हो गया होगा कि आप नहीं भूलोगे। ठीक है, ऐसे हजारों वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।